कैसे हैं भाई? सर हम गरीब लोग हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं सर, तो रोड पे उठा के हम खाना खाते हैं सर। खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं है, देख नहीं रहे, हमारे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनकर आए हैं सर इंडियन आइडल में। नाम क्या है सर? सर मैं इससे पहले भी इंडियन आइडल में आया था, तो आपने नाम पूछा था तो मैंने बताया था, लेकिन आप फिर से पूछ रहे हैं तो मैं आपको फिर नाम बता देता हूँ। सर हमारा नाम ज्ञानी है। अच्छा, कहाँ से आप? सर मैं यूपी के एक छोटे से गांव से, दलित गांव से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ अच्छा, सर। क्या स्टाइल में गाते हैं? सर हम गरीब लोग हैं सर, हमारे खाने के लिए खाना तो होता नहीं, रहने के लिए घर होता नहीं, पहनने के लिए कपड़ा होता नहीं, तो स्टाइल कहाँ से लाएंगे सर। सर हमें कोई भी गाना नहीं सिखाता था, लेकिन हम बहुत ही मुश्किलों से गाना सीखे हैं, और सर आज मैं अपने दलित समाज के लिए गाना गाने वाला हूँ। और मेरा एक दोस्त दलित था, उसने मुझे कहा कि तू इतने सारे गाने गाता है लेकिन एक गाना दलित के लिए गा, तो आज मैं अपने दोस्त के लिए, अपने सारे दलित समाजों के लिए मैं आज गाना गाने वाला हूँ। अगर ये गाना अच्छा लगे तो मुझे कुछ रुपयों पैसे की हेल्प मदद कीजिएगा सर, प्लीज़ सर। और गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई? सर मैंने अभी अभी तो बताया कि हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई स्टाइल या शौक या कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सर। सर हम मिस्त्री लेबरगिरी करके हम कुछ पैसे कमाते थे, तो उसमें से कुछ पैसे हम घर को देते थे और कुछ पैसे हम बचा के हम गाना सीखा करते थे सर। और हमें कोई गाना भी नहीं सिखाते सर, क्योंकि हम नीच जाति थे सर, इसलिए हम गाना बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर, कठिनाइयों से सीखे हैं सर। चलिए सुनते हैं, पहले फिर बातचीत करते हैं। ओके सर, ओके। कैसी है कयामत, ये कैसी है कयामत, बिजली दिलों पे गिरी है, बिजली दिलों पे गिरी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत, ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, नीले कफन तले है, नीले कफन तले है, सोया मसीहा हमारा, सोया मसीहा हमारा, अब कौन है सहारा, अब कौन है सहारा, किस्मत रूठी पड़ी है, किस्मत रूठी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत,
याद आ रही है वो बातें सब तुम्हारी। याद आ रही है वो बातें सब तुम्हारी, जुल्मों से लड़ लड़ कर, जुल्मों से लड़ लड़ कर किस्मत कौम की सुधारी, किस्मत कौम की सुधारी। घर घर में देखो आज, घर घर में देखो आज, बाती बुझी पड़ी है, बाती बुझी पड़ी है। दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत, जल रहा है दलितों का मसीहा। देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा, रो रो के कह रहे बाबा, रो रो के कह रहे बाबा। छोड़ो न संग हमारा, छोड़ो न संग हमारा, हाहाकार सा मचा है, हाहाकार सा मचा है। दिल में अगन लगी है, दिल में अगन लगी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आपने हमें इस मंच पे गाने का मौका दिए, और जितने हमारे लोग ऑडियंस देख रहे हैं सभी हमारे हेल्प के लिए एक एक व्यूअर्स बढ़ाकर खूब देखें। थैंक यू। कि भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, किया ही लेकिन कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ, चलो गाओ गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन।
नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। क्या नाम है आप? मैं, मेरा नाम ज्ञानी है, पर हमारे गांव में हमें सत्येंद्र जी के नाम से बुलाते हैं। सत्येंद्र जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो आया मुंबई से, पर हमारा गांव पड़ता उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में। वाओ, आपने पहले कभी ऑडिशन दिया है? नहीं मैम, मेरा लाइफ का पहला ऑडिशन है ये। अच्छा, आपकी लाइफ का पहला, आप किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दे रहे हैं? जी मैम, पहली बार ऑडिशन दे रहे हैं। तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने ऑडिशन? मैम, हमारे घर में हम लोग तीन भाई है, पर शादी होते ही दोनों भाई छोड़ के चले गए, इसलिए सारा जिम्मेदारी हमारे पर आ गया। मैम, हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं मैम, हम ही घर के अकेले कमाने वाले थे, इसलिए हम ऑडिशन नहीं दे पाए मैम। तो इस बार कैसे सोचा आपने कि ऑडिशन दें? सर, मेरी एक दोस्त थी जो हम लोग साथ में गाना गाया करते थे, पर हम गाँव जा के गाना गाते थे और हमें सक्सेस कहीं नहीं मिलता था, तो आखिरी में वो मुझे छोड़ के चली गई और मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि मेरे साथ कोई गाना गाने के लिए नहीं था। क्या बोला आपने? सर, हम जिसके साथ गाना गाते थे वो मुझे छोड़ के चली गई। सर, इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। इट्स आई थिंक हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं। ये जो दर्द है, मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और बहुत ही निश्चिंत होके आज आप परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कि भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने, मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे, वही लाइन से एंड भी करेगा। भूलना किया ही क्यों था कि बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवाल का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम ते
तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ज्ञानी है सर, और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहता हूँ, मिडिल क्लास का लड़का हूँ। आप क्या करते हैं सर? वैसे तो मैं खेती करता हूँ, हमारा खेत है। आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? सर आज मैं अरिजीत सिंह का गाना गाने वाला हूँ, ऐ दिल है मुश्किल। ये गाने के पीछे मैं एक साल तक मेहनत किया हूँ सर, और ये गाना गा के मैं सभी को रुला दूंगा। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। भाई इसी परफॉर्मेंस में विनर बना है, आई एम श्योर ये है विनर वाला परफॉर्मेंस। गुस्बम्स मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है मुश्किल, तू मेरा खुदा, क्या कर रहा है ये? बनूं मैं तेरे बाप, क्या बात है। ओ ये हुई ना बात। ओ किल्ड इट, आग लगा दी पूरा स्टेज पे भाई। ये हुई पूरा विनर वाला परफॉर्मेंस, डिजर्विंग परफेक्ट। ओके क्या रखा है और इस